तो दोस्तों अगर आपने भी अपने आईटीआर को फाइल कर दिया है और आपका रिफंड भी बन रहा है लेकिन अभी तक आपके अकाउंट में रिफंड नहीं क्रेडिट हुआ है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड कैसे कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। दूसरा कि क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं कि जिससे आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पा रहा है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना, मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखाऊंगी कि आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड कैसे कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशमा, हम डिस्कस करते हैं फाइनेंस, बैंकिंग, लीगल, गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट लाइसेंस से रिलेटेड अपडेट्स को, क्योंकि अपडेट है हम तभी तो ग्रेट है हम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपके लिए तो फ्री है लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स पे लॉगिन कर लेना है आपको। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे बैंक अकाउंट अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा तो ना आप क्या करेंगे, माई प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, माई प्रोफाइल में जाएंगे और माई प्रोफाइल में जाकर आपको दिख जाएगा बैंक अकाउंट का ऑप्शन। देखिए माई बैंक अकाउंट में जाएंगे, माई बैंक अकाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट आप कर सकते हो। ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर अपने बैंक की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। ठीक है, फिल करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर, आपको अकाउंट टाइप और आपका जो IFSC कोड है ये सब आपको डालना है। तो यहाँ पर हम जो है बैंक अकाउंट का नंबर है, जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। फिल करने से पहले ना एक चीज का ध्यान रखना, जो आपका पैन नंबर है और आपके जो KYC है ना बैंक में हो जाने चाहिए, नहीं तो ना फिर प्रॉब्लम होगी, फिर आपका वैलिडेट नहीं होगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए पहले KYC करा लेना बैंक में और या वही बैंक अकाउंट ऐड करना जिसमें KYC हो गए हो। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आ गई, ये हमारी प्रोफाइल से ही उठ के आ जाती है। और दूसरा है IFSC कोड सही डाल, अगर वो गलत होगा तो भी आपको आगे दिक्कत आएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली ऐड करने के बाद देखिए सारी डिटेल्स हमने ऐड कर दिया, एक बार चेक जरूर कर लेना और फिर वैलिडेट पे हम क्लिक कर देंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा आ गया सबमिशन सक्सेसफुल, कि आपका जो रिक्वेस्ट है वैलिडेशन सबमिट हो गई है। तो यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर अगर आपका जो बैंक अकाउंट है वो ऐड हो जाएगा, अदरवाइज फेल होगा तो वो फेल में आ जाएगा। दूसरा क्या है, कई बार आप डिटेल सही डाल देते हैं लेकिन वो फिर भी ना फेल दिखाता है, तो इसमें क्या करना है आपको ना रीवैलिडेट कर देना है। तो आपको क्या करना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर रीवैलिडेट पे क्लिक करना है। तो रीवैलिडेट में आप जैसे ही जाएंगे तो आप उसी पेज पे आ जाएंगे, ऐड बैंक अकाउंट के पेज पे। तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल डाल देनी है और IFSC कोड ना ढंग से डाल देना। ठीक है, उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट हो जाएगा। तो वैलिडेट में देखिए आपको लिखा आ जाएगा, वैलिडेट नहीं लिखा आता तो आपका बैंक अकाउंट मतलब वैलिडेट नहीं है, और अगर लिखा आता है तो ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रिफंड है तो भी कोई टेंशन नहीं है उसमें, पर वैलिडेट जरूर होना चाहिए और उसी बैंक अकाउंट को रिफंड के लिए एलिजिबल करना जिसपे लिखा आ रहा हो एलिजिबल फॉर रिफंड, अदरवाइज मत करना वरना परेशानी होगी। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप अपना बैंक अकाउंट कैसे ऐड कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। और दूसरी बात है, अगर आपका रिफंड अभी भी प्रोसेस नहीं हो पा रहा है तो मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना दी है, मैं इसका लिंक आई बटन पे दे दूंगी और प्लस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप फटाफट से जाके उस वीडियो को देख लेना, उससे आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।